ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देख रहे थे, और अभी तक हमने देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें आपने आपको दिखाया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। इसके बाद हमने देखा था फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन में हमने एक फिजिबल सॉल्यूशन के में देखा था कि अगर कंडीशन ऑफ बैलेंस होल्ड करता है तभी हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा तो कंडीशन ऑफ बैलेंस मस्ट भी होल्ड करेगा। तो देखिए कंडीशन ऑफ बैलेंस क्या है कि अवेलेबिलिटी और जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में हमने देखा था कि एम इंटू एन सिस्टम, मतलब एम अवेलेबिलिटी या ओरिजिन और एन डेस्टिनेशन या रिक्वायरमेंट में एम प्लस एन माइनस वन इंडिपेंडेंट एलोकेशन हो सकता है, ठीक है। और हमने देखा था कि कोई भी लूप फॉर्मेशन नहीं करेगा। लूप फॉर्मेशन नहीं करेगा मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उसके इंडिकेशन होता है वो। इसके बाद हमने कहा कि लूप फॉर्मेशन कैसे होता है और लूप फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ता है। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला जाता है। उसका फर्स्ट मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था वैम या वेजोल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑप्टिमेटली टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन क्या क्राइटेरिया होते हैं कि एक टेस्ट को देखने के, मतलब जो हमने रिजल्ट निकाला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला वो ऑप्टिमम है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए लिख दिया है, पहले हम पढ़ेंगे इसको आपको समझाना शुरू करेंगे। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन द प्रॉब्लम अराइज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, दैट इज वेदर वेदर और नॉट द सॉल्यूशन दैट इज ऑब्टेन मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो मैंने आपको बता रहा था कि अभी तक हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना देख लिया है, हमारे पास अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है, मतलब ऑप्टिमम का मतलब कि क्या वो मिनिमाइज, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर दिस वी डिटरमाइन द वैल्यू टर्म एज सेल इवोल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एम्प्टी सेल ऑफ द मैट्रिक्स। अभी देखिए हम तो मतलब इन एन एम इंटू एन इंटू एम से एम इंटू एन सिस्टम हम एम प्लस एन माइनस वन इंडिपेंडेंट एलोकेशन कर सकते हैं, मतलब जो रिमेनिंग सेल रह गए वो अनऑक्युपाई है। हम तो हमें हमारे पास एक क्वेश्चन होता है क्या वो अनऑक्युपाई सेल में अगर हम कोई एलोकेशन करते तो क्या उससे और कम हो सकता है, और इसी चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेल एवोल्यूशन करते हैं। इफ अ यूनिट इज एलोकेटेड इन द इन एन अनऑक्युपाई सेल एंड एडजस्टमेंट आर मेड इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन टू मेंटेन द रो एंड कॉलम सन देन द टोटल नेट चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडजस्टमेंट इज कॉल्ड सेल इवोल्यूशन ऑफ द सेल। कि देखिए कि अगर एक यूनिट अनऑक्युपाइड सेल में अलॉट किया जाता, मतलब अनऑक्युपाइड सेल में और एडजस्टमेंट किया जाता रो और सम में, रो और कॉलम जो सम है, क्योंकि रो और कॉलम सम आपको सेम रखना पड़ेगा, मतलब आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा एलोकेट नहीं कर सकते और आपके पास एबिलिटी से ज्यादा भी आप एलोकेट नहीं कर सकते, पर इन दोनों चीज को मेंटेन करने के बाद अगर कोई मतलब अनऑक्युपाइड सेल में एलोकेट किया था तो द नेट चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडजस्टमेंट इज कॉल्ड द सेल इवोल्यूशन ऑफ द सेल एंड इट इज डिनोटेड एज डेल आई जे। मतलब वहां पे अनऑक्युपाइड सेल में अगर कोई एलोकेशन किया था और जो जो कॉलम और जो रो सम है उसको मेंटेन किया था, करने के बाद अगर जो रिजल्ट जो नेट रिजल्ट होता है उसको कहते हैं सेल इवोल्यूशन ऑफ द सेल एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल आई जे। सम कॉमनली यूज मेथड आर स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोदी मेथड और यूवी मेथड। तो आप देखिए आपको शायद ये पढ़ के कुछ समझ 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 में नहीं आ रहा होगा, जब हम ये दोनों मतलब मेथड देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि असल में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो डेल आई जे है उसके और कौन कौन से प्रॉपर्टीज है। तो देखिए हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिए। इफ द सेल इवोल्यूशन ऑफ सम सेल आर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हुआ देन द न्यू सॉल्यूशन इंक्रीज द टोटल कॉस्ट। अगर मान लीजिए सेल इवोल्यूशन करने के बाद कोई सेल का जो सेल इवोल्यूशन पॉइंट पॉजिटिव में है और आपने वहां पे एलोकेशन कर दिया अनऑक्युपाइड सेल जिसका मतलब पॉजिटिव है और वहां पे हमने एलोकेशन कर दिया तो जो नेट जो टोटल कॉस्ट होगा वो और इंक्रीज कर जाएगा। व्हाइल इफ दैट सेल इवोल्यूशन इज नेगेटिव देन द न्यू सॉल्यूशन रिड्यूस द टोटल कॉस्ट। पर अगर कोई सेल इवोल्यूशन कोई अनऑक्युपाइड सेल का नेगेटिव में है तो अगर हम वहां पे कोई एलोकेशन करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो रिड्यूस करेगा।
Thus, if all the cell population for the unoccupied cell are greater than or equal to zero, then we can't reduce the total cost anymore. And hence, the solution under the test is the required optimal solution. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर नेगेटिव हुआ तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, पर अगर ग्रेटर देन इक्वल मतलब सभी जो सेल इवोल्यूशन है अनऑक्युपाइड सेल के वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गए तभी हमें रिक्वायर ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद जब हम जो दो एग्जाम मतलब दो मेथड देखेंगे, एक देखेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड और जो यूवी मेथड, उसमें आपको ये तीनों चीज याद रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो वहां पे एलोकेशन नहीं होगा, और अगर नेगेटिव है तो वहां पे अगर एलोकेशन होगा तो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करेगा। और जब हमारे सारे सेल एवोल्यूशन के जो पॉजिटिव हो जाएंगे मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे तो हमें रिक्वायर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेल एवोल्यूशन का थ्योरी देखा है हमने और उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमने वो देखा है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड और देखेंगे यूवी मेथड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसको आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करें। और अगर आप इसको फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।